हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 74 फॉर क्लास 10 साइंस, 18 जनवरी 2021 की वर्कशीट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वर्कशीट है चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पर। हमारी जो वर्कशीट्स थी 4, 5 और उसके आसपास की जो वर्कशीट हैं वो आपकी इसी चैप्टर से हैं। और ये जो है आज की जो वर्कशीट रहेगी, इसमें हमें ये तीन रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इनको हम डिटेल में भी कर चुके हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करें तो केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू गिव अ सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आप देख रहे हो एग्जांपल, तो यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर का रिएक्शन है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमें मिलता है। यहाँ कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या है कि यहाँ दो रिएक्टेंट्स जो हैं वो एक सिंगल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आप जैसे कि नाम से ही समझ पा रहे हो कि डिस्प्लेसमेंट होता है, कौन किसका डिस्प्लेसमेंट करता है। तो उसके लिए द केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सोल सोल्यूशन, यानी कि जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है उसको हाईली रिएक्टिव एलिमेंट वो उसे डिस्प्लेस कर देता है उसी के सोल सोल्यूशन से। यानी कि जैसे कि एग्जाम्पल में देख पा रहे हो कि आयरन जो है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस करके वहाँ पर अपनी जगह बना लेता है सल्फेट के साथ, तो यहाँ फेरस सल्फेट बनता है और कॉपर जो है मेटल के रूप में आ जाता है। ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन ड्यू टू कॉपर सल्फेट चेंजेस इनटू लाइट ग्रीन कलर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फेरस सल्फेट। तो पहले ये ब्लू कलर का होता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो है वो पहले ब्लू कलर का होता है, लेकिन बाद में जब वो फेरस सल्फेट बन गया यानी कि कॉपर वहाँ से डिस्प्लेस हो गया तो इसका कलर जो है लाइट ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है। आगे बात करेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन की, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के यहाँ टाइप्स भी दिए गए हैं। द केमिकल रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज यानी कि ब्रेक्स इनटू टू और मोर प्रोडक्ट्स, तो वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। सबसे पहले बात करेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन की, यानी कि टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन में हमें यहाँ तीन टाइप्स मिलते हैं। तो थर्मल डिकम्पोजिशन में व्हेन डिकम्पोजिशन इज डन बाय हीटिंग, यानी कि जब हम बात करते हैं फेरस सल्फेट यहाँ लिया ग्रीन कलर का होता है ये सॉल्यूशन, इसको जब हीट किया जाता है तो यहाँ पे हमें Fe2O3 यानी कि ब्राउन कलर में मिलता है, SO2 गैसियस फॉर्म में और SO3 भी गैसियस फॉर्म में, यानी कि डिकम्पोजिशन हो रही है Fe SO4 की। फिर बात आती है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन की, वहाँ पर डिकम्पोजिशन होता है इलेक्ट्रिसिटी पास करने की वजह से, तो इसको हम डिटेल में समझेंगे अभी जब सॉल्यूशन करेंगे। इन सभी रिएक्शंस को हम सॉल्यूशंस में भी अच्छे से करेंगे। तो वाटर का जब इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन होता है इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो वहाँ हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस जो है वो रिलीज होती हैं। कैसे कैसे होती हैं इसको हम प्रॉपरली एक्टिविटी से समझेंगे। फिर आती है बात फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन की, तो जब डिकम्पोजिशन होता है लाइट या सनलाइट की वजह से तब हम इसे फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन बोलते हैं। सिल्वर क्लोराइड का जो हम एक एग्जांपल देख सकते हैं कि सिल्वर और क्लोरीन जो है हमें यहाँ इस प्रकार मिलता है। आगे बढ़ेंगे, लेट अस प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन सेज फ्रॉम द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन आइडेंटिफाई कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ तीन रिएक्शंस आपको दी गई हैं और इन तीनों को आपने आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले आप देख रहे हो ZnCO3 Zn और CO2 में डिकम्पोज हो रहा है, यानी कि ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। यहाँ पर एक सिंगल जो अभिकारक है या सिंगल रिएक्टेंट है वो दो प्रोडक्ट्स में डिकम्पोज हो रहा है। H2+Cl2 gives 2HCl, तो यहाँ हम बात कर सकते हैं ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है वो मिलकर HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना रहे हैं। Fe2O3 और 2Al जो है वो मिलकर बनते हैं Al2O3 एंड Fe। यहाँ पर हम देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है क्योंकि एल्यूमिनियम आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से Fe2O3 से आयरन को रिमूव कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है और अपनी जगह बना लेता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। द फर्स्ट पार्ट इज द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ऑन एडिंग आयरन नेल्स चेंज। जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आयरन नेल्स को डाला जाता है तो उसका कलर चेंज क्यों हो जाता है, तो इसके लिए ये एक्टिविटी आपके एनसीईआरटी बुक से ही मैंने ली है। एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको आपने अच्छे से कर लेना है। तो ये एक्टिविटीज़ और जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने एनसीईआरटी से ही लिए हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो वर्कशीट में आपको क्वेश्चन दिया है उसी से रिलेटेड है। आयरन नेल को जब हमने देखा पहले तो ये इस प्रकार थी, लेकिन जब उसको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से बाद में बाहर निकाला जाता है तो उसका कलर चेंज हो गया है। इसी प्रकार जब कॉपर सल्फेट को पहले रखा था तो वो ब्लू कलर का था, लेकिन बाद में उसका कलर जो है वो चेंज हो गया है। तो ये किस वजह से है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की वजह से है। और इसमें जो रिएक्शन इंक्लूडेड है वो क्या है, आयरन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, यहाँ एक्वस लिखा है तो ये सॉल्यूशन हो गया कॉपर सल्फेट का,
जो कि ब्लू कलर का होता है, लेकिन जब ये रिएक्शन होती है तो यहाँ कॉपर सल्फेट से आयरन जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, अपनी जगह बनाता है, FeSO4 बन जाता है और कॉपर जो है वो एज इट इज आ जाता है। तो हम लिख सकते हैं, इन दिस रिएक्शन आयरन हैज़ डिस्प्लेस्ड और रिमूव्ड अनदर एलिमेंट दैट इज कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, उसी के सोल्यूशन से ही। दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी में जो सेकेंड पार्ट था क्वेश्चन नंबर 2 से, ब्राउन कलर्ड कॉपर पाउडर ऑन हीटिंग इन एयर टर्नड ब्लैक। जो कॉपर पाउडर होता है वो पहले ब्राउन कलर का होता है, लेकिन जब उसको हम हीट कर देते हैं तो वो ब्लैक कलर का क्यों हो जाता है? तो इसके लिए हम आंसर लिखेंगे, दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ कॉपर इज बिकॉज ऑफ द ऑक्सीडेशन अपॉन हीटिंग द कॉपर मेटल मेल्ट्स ग्रेजुअली एंड टर्न्स ब्लैक ऑन द सरफेस। तो क्यों होता है? दिस इज बिकॉज कॉपर पाउडर प्रेजेंट इन द चाइना डिश रिएक्ट्स विद द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड फॉर्म्स कॉपर ऑक्साइड। तो इसके लिए रिएक्शन लिखना ज़रूरी है, रिएक्शन आप याद कर लीजिए, और जब भी आपको क्वेश्चन कभी भी दिखाई देता है पेपर में तो आप वहाँ पर अपनी रिएक्शन को ज़रूर लिखें। तो ये इससे रिलेटेड एक्टिविटी है, मैंने एनसीईआरटी से ही ली है। तो आप देख सकते हो कि जब चाइना डिश में कॉपर पाउडर को हीट करते हैं, पहले वो ब्राउन कलर का होता है, लेकिन बाद में उसका कलर जो है वो ब्लैक हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो जाता है, 2CuO बन जाता है कॉपर ऑक्साइड, तो इस वजह से ये ब्लैक कलर का हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलें, तो इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर की बात करें तो यहाँ पर ये इसका एक्सपेरिमेंट है, एनसीईआरटी से मैंने लिया है। तो आप देख पा रहे होंगे कि वाटर लिया गया है इस मग में और दो टेस्ट ट्यूब हैं जिनको उल्टा करके रख दिया गया है इलेक्ट्रोड्स पर। दो इलेक्ट्रोड्स हैं, एक एनोड है, दूसरा कैथोड है, उसको 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया गया है। तो जब ये रिएक्शन होती है, इस वाटर में H2SO4 डाल दिया जाता है ताकि वो इसमें आयंस हो जाएं और फिर वो इलेक्ट्रोलिसिस की जो प्रक्रिया होगी उसके दौरान वाटर कंडक्ट कर सके इलेक्ट्रिसिटी को। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जब ये रिएक्शन होगी तब यहाँ ऊपर इस टेस्ट ट्यूब के ऊपर जो थोड़ी खाली जगह दिखाई दे रही है वहाँ पर ऑक्सीजन इकट्ठी हो गई है, लेकिन दूसरे इलेक्ट्रोड पर जहाँ हाइड्रोजन इकट्ठी हुई है वो स्पेस जो है वो ज़्यादा है। तो इसका कारण भी अगले ही प्रश्न में पूछा गया है, वाई द वॉल्यूम ऑफ वन गैस कलेक्टेड एट वन इलेक्ट्रोड इज डबल देन दैट एट द अनदर। तो हम आंसर लिखते हैं इसके, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि कौन कौन सी गैसेस जो हैं वो यहाँ कलेक्ट हुई हैं कैथोड और एनोड पर। तो हम लिखेंगे, द गैस कलेक्टेड ओवर कैथोड इज हाइड्रोजन एंड द गैस कलेक्टेड ओवर एनोड इज ऑक्सीजन। सेकेंड में हमने बताना है कि एक में ज़्यादा वॉल्यूम था गैस का, दूसरे में कम क्यों है? तो इसका कारण यही है कि वाटर स्प्लिट्स इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। सिंस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन रिलीज इज डबल द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन रिलीज, हैंस इलेक्ट्रोड एट विच हाइड्रोजन गैस इज कलेक्टेड, यानी कि कैथोड शोज द डबल द वॉल्यूम दैन द इलेक्ट्रोड एट द विच गैस ऑक्सीजन गैस इज कलेक्टेड दैट इज एनोड। यानी कि हम बात कर सकते हैं कि जो वाटर मॉलिक्यूल की अगर हम कंस्ट्रक्शन देखें, तो वाटर मॉलिक्यूल में आप देख रहे हो कि 2 एटम जो हैं वो हाइड्रोजन के हैं और 1 एटम ऑक्सीजन का है। तो जाहिर सी बात है यहीं से हम समझ जाएंगे कि जो ऑक्सीजन का जितना वॉल्यूम होगा उससे डबल वॉल्यूम किसका होगा? हाइड्रोजन का होगा। और वही बात हमें टेस्ट ट्यूब के ऊपर भी नज़र आ रही है, तो हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन की मात्रा से डबल होगी। थर्ड क्वेश्चन कहता है, नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो ये कौन सा केमिकल रिएक्शन है? ये इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर है, तो ये इसका नेम हो गया। अब आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक इंटरेस्टिंग सी पिक्चर दी गई है, सनलाइट आ रही है, चाइना डिश में सिल्वर क्लोराइड रखा हुआ है, क्या होगा इस एक्सपेरिमेंट में? तो इसी से रिलेटेड आपको 3 प्रश्न पूछे गए हैं, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये कौन सा केमिकल रिएक्शन है इसको डिफाइन भी करना है। तो बच्चों ये फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन है, जब भी डिकम्पोजिशन सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, व्हेन डिकम्पोजिशन इज डन बाय लाइट और सनलाइट देन इट इज कॉल्ड फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और इस रिएक्शन में हुआ क्या है? तो इस रिएक्शन में हमने सिल्वर क्लोराइड को लिया था और यहाँ हम ऊपर लिख लेंगे सनलाइट, आरओ के ऊपर हम लिखेंगे सनलाइट, क्योंकि सनलाइट की प्रेजेंस में ये जो रिएक्शन है वो हुई है, अदरवाइज ऐसा नहीं होता। तो हमें मिलता है सिल्वर एंड क्लोरीन। ओके, नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, राइट द केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस। इसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रही है वो लिखनी है, तो वो हम पहले ही लिख चुके हैं, तो आप इसको इस प्रकार अच्छे से लिख लेंगे, ठीक है जी। अब अगला जो प्रश्न है, व्हाट चेंज इन कलर ऑफ सॉल्ट टेक प्लेस। तो सॉल्ट में क्या कलर चेंज आता है? तो वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। तो इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी से हैं, एनसीईआरटी को ज़रूर करें, अपने रिएक्शंस को कंप्लीट कर लें। जल्दी ही मैं एक वीडियो लेकर आऊँगी जिसके अंदर होंगे इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस आपकी सारे केमिस्ट्री के चैप्टर्स से। तो करते रहिए, अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वर्कशीट की वीडियो में। तब तक की वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अगर कोई डाउट है तो। Thanks for watching.